हेलो स्टूडेंट वन, मैं आप लोगों को दीर्घ उकार अर्थात बड़े उ की मात्रा पढ़ा रही थी। जो शब्द मैं पढ़ा रही थी शब्दों का उच्चारण करके उसके बारे में, तो तीसरी पंक्तियां हैं सूरज, स दीर्घ उकार सू र ज सूरज, पूरब, प दीर्घ उकार पू र ब पूरब, ठीक है। अब है पूनम, प दीर्घ कर पू न म पूनम, मूरत, म दीर्घ कर मू र त रूप मूरत। और पिछले पाठ में भी मैंने आपको बताया था कि उ की जो मात्रा होती है, चाहे वो छोटे उ की मात्रा है और बड़े उ की मात्रा है, वो जो पाई वाले व्यंजन होते हैं उसके पाई में लगाया जाता है, ठीक है ना। र में छोटे उ की मात्रा और बड़े उ की मात्रा दोनों ही र के पेट में अर्थात र के बीच में लगाया जाता है। इसमें नीचे नहीं बल्कि र के मध्य में, र के बीच में, र के पेट में लगाया जाता है, ठीक है। जैसे जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान रखिए, तो देखिए यहाँ पे र की जो मात्रा है वो दीर्घ कर र के बीच में लगाया गया है। जैसे रू तो रूप, रूट, रूट, मेरा भाई मुझसे रूट गया, रूट, ठीक है। अब मात्राओं का प्रयोग हम सीखेंगे, कैसे किस शब्द में कहाँ पे बड़े उ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बाल है, बाल से क्या बन सकता है दीर्घ कर लगाकर, बालू, बा कर बा ल दीर्घ कर लू बालू। काल, काल से क्या बनेगा कालू, का कर का ल दीर्घ कर लू कालू। उसी तरह राज से, राज से, राज में जब हमें उ की मात्रा लगाने को मिलेगा तो हम ज में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा रा कर रा ज दीर्घ कर जू, अर्थात र में, ज में बड़े उ की मात्रा जू राजू। काज, काज से क्या बनेगा काजू, का कर का ज दीर्घ कर जू काजू। भाल से क्या बन सकता है उ की मात्रा लगाकर, दीर्घ कर लगाकर भालू, भा कर भा ल दीर्घ कर लू भालू। उस तरफ बाज से बाजू, बाजू, बाजू मतलब हाथ, ठीक है ना। बा कर बा ज दीर्घ कर जू बाजू। अब दीर्घ कार से अर्थात बड़े उ की मात्रा से एक कहानी हम पढ़ेंगे, कहानी का नाम है भूखा चूहा, ठीक है ना। कहानी का क्या नाम है, भूखा चूहा। एक चूहा था, कौन था, एक चूहा था। देखिए कहानी आप ध्यान से सुनेंगे और फिर से उस कहानी को किताब बंद करके आप अपने मम्मी को या घर में अपने छोटे भाई को या किसी बहन को, किसी को सुनाएंगे। कहानी के बोल हैं क्या क्या है, एक चूहा था उसका नाम कालू था। चूहा था, चूहे का नाम क्या था कालू। वह बहुत ही नटखट था, नटखट मतलब शरारती। वह कैसा था कालू, कैसा था, बहुत ही नटखट था। सारा दिन इधर उधर कूदता था। जो चूहा था, जो कालू था, चूहे का नाम क्या था कालू, कालू सारा दिन घर में इधर उधर, तो कभी यहाँ कभी तो कभी वहां, इधर उधर घूमता रहता था, कूदता था। एक दिन कालू भूखा था, एक दिन की बात है, कालू को बहुत भूख लगी थी, कालू भूखा था। भीतर पूजा की पूरी रखी थी, भीतर गया, रसोई में गया, वहां पर पूजा की पूरी, पूरी रखी हुई थी। उधर खरबूजा भी रखा था, जहां पर रसोई में वह खाने के लिए गया था तो पूरी के साथ ही, पूरी के बगल में ही खरबूजा भी रखा था। खरबूजा, देखिए सभी में दीर्घकार का प्रयोग किया गया है, दीर्घकार मतलब बड़े उ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तरबूज भी रखा था, तरबूज, बुज, ज में देखिए बिंदु नीचे लगा हुआ है, इसका उच्चारण हो जाएगा ज, ज नहीं ज, तरबूज भी रखा था। चूहा कूद कर गया, वहां पर चूहा कैसे गया, कूद कर गया। कुट 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 वह आधी पूरी खा गया,
चूहा जब कुछ खाता है तो उससे कुटकुट की आवाज आती है, मतलब किसी भी चीज को जब नोचता है खाता है तो उससे कैसी आवाज आती है, कुटकुट की। तो वह कुटकुट करके आधी पूरी खा गया। अभी भी वह भूखा था, आधी पूरी खाने के बाद भी चूहा भूखा था, ठीक है ना, उसे और भूख लगी थी। फिर तरबूजा और तरबूज भी खाया, उसे खरबूजा और तरबूज दोनों को नोच नोच कर कुटकुट करके उसने तरबूजा और खरबूज भी खाया। पूजा भागी आई, पूजा एक छोटी लड़की थी, वह दौड़ती हुई जैसे ही कुटकुट की आवाज आ रही थी वह भागती हुई रसोई में आई। चूहा कूदकर बिल की ओर चला गया, चूहा कहाँ रहता है, बिल में रहता है, जमीन में या किसी जगह पर एक गड्ढा बनाकर वह बिल, उसी बिल में चूहा रहता है। तो जैसे ही पूजा रसोई में आई चूहा कूदकर बिल में बिल की ओर चला गया, बिल में भागा, ठीक है ना। इससे इसके कारण रसोई में जो गिलास रखी थी और गिलास में दूध था वह भी गिर गया, ठीक है ना, गिलास में क्या था, दूध था, तो रसोई में रखी दूध भी गिर गया, ठीक है। इस कहानी को आप पढ़ेंगे और अपने घर में किसी को कहानी यह सुनाएंगे। और प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर सही लगाइए, जो उत्तर सही है उस पर सही का निशान लगाना है। चूहे का क्या नाम था, तो आपने कहानी पढ़ा आपको पता चला चूहे का नाम क्या था, चूहे का नाम था कालू। यहाँ पे तीन शब्द दिए गए हैं, कालू, पूजा और भूखा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कालू। दूसरा प्रश्न है, भीतर क्या रखा था, जब चूहे को भूख लगी थी वह रसोई में गया था तो भीतर जाकर उसने क्या देखा कि क्या रखी थी, आलू, पूरी और झूला। आप देखिए क्या रखा था, पूरी, पूरी रखा था, पूरे को कुटकुट करके उसने खाया ना। चूहा कूदकर किसकी ओर चला गया, मतलब किधर चला गया, किस ओर चला गया, घर की ओर, भीतर की ओर या फिर बिल की। चूहा अपने बिल की ओर गया, तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा, बिल की। तो बिल की में आप सही, बिल की में आप सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, तुक मिलाकर आगे बढ़िए, तुक मिलाकर आगे बढ़ने का मतलब होता है मिलते जुलते शब्द लिखना, मतलब जिसका उच्चारण जब दूसरा शब्द लिखेंगे लेकिन उसका उच्चारण उसी के समान होगा। जैसे फूल है, इससे मिलते जुलते शब्द क्या होंगे, शूल, धूल, मूल, मतलब इससे मिलते जुलते शब्द लिखना है, ठीक है ना। उसी तरह आलू है, तो आलू से मिलते जुलते शब्द क्या होंगे, बालू, कालू, झाड़ू, आलू, बालू, कालू, झाड़ू। देखिए तुक मिलते हुए शब्द है, मतलब लय मिलते हुए शब्द है। तीसरा प्रश्न है, चित्र के सही नाम पर सही लगाइए, चित्र बनाया गया है या आपको चित्र बनाना है और चित्र का जो सही नाम है उस पर सही का निशान लगाना है। जैसे ये क्या है, हरे रंग का क्या होता है, तरबूजा या खरबूजा, तरबूजा, तरबूज होता है। तो इसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, खरबूजा, खरबूजा, तरबूज और आलू। तो आप देखिए यहाँ पे तरबूज में सही का निशान लगा हुआ है। दूसरा चित्र आपको फूल का है, तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं भालू, फूल और झूला। तो आप सही शब्द क्या है, फूल, फूल पर सही का निशान लगाएंगे। तीसरा चित्र है आपका सूरज का, सूरज, तो यहाँ पे तीन शब्द दिए गए हैं, चूहा, सूरज और चूड़ी। चूड़ी जो घर की औरतें, मतलब मम्मी, दादी, बड़े लोग जो हाथ में पहनते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सही शब्द ये क्या है, सूरज, ठीक है। चौथा प्रश्न है, समझिए और सही शब्दों वाले खाने में रंग भरिए, जो शब्द सही है उन खानों में, मतलब उन ब्लॉक में आपको रंग भरना है। पहला शब्द है खरबूजा, बूजा, बूजा, खरबूजा,
खरबूजा नहीं होता है, क्या होता है खरबूजा। तो यहाँ पे दीर्घकार होना चाहिए था, हर्षुकार नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये शब्द सही नहीं है। इसका सही शब्द क्या होगा खरबूजा। देखिए दूसरा वाला शब्द सही है, तो इसमें आप रंग भरेंगे, क्रेयॉन्स लेकर कोई भी रंग लेकर इसमें रंग भरेंगे। फिर दूसरे में है देखिए पीले रंग का, हाँ ब्लू कलर से किया गया, तो ब्लू क्रेयॉन्स से आप कर देंगे कलर। दूसरे शब्द में पीले रंग ऑरेंज लिया गया है, संतरी कलर लिया गया है, लिखा गया है शब्द तराजू। तो ये शब्द आप उच्चारण करके देखेंगे तो कौन सा तराजू सही है, पहला वाला या दूसरा वाला। पहले वाले का जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या होगा तराजू, जू मतलब ये शब्द तराजू सही है। दूसरे शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो होता है तराजू, तराजू सही नहीं है। फिर नीचे है हरे रंग से कूद कर, चूहा कैसे भागा कूद कर, तो पहला जो है शब्द ये सही होगा। चौथे में है आपका भालू, भालू का जब उच्चारण करेंगे तो भा कर भा लहर सुकर लू, भालू भालू नहीं होता है, क्या होता है भालू, भा कर भा लदिर होकर लू भालू, भालू में आप रंग भरेंगे। ठीक है, फिर आइए कुछ करें हैं वाक्य पढ़कर इस चित्र में सूरज का चित्र बनाइए। सूरज सुबह उगता है, सूरज शाम को डूबता है, ये पढ़ेंगे और इसमें सूरज का चित्र दोनों में ही आप सूरज का चित्र बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूंगी, फिर उसे कॉपी में अच्छे लिखावट में पूरा करेंगे और फिर उसे याद करेंगे। थैंक यू क्लास।